जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली। लोगों की मान्यता है कि नवरात्रि काल केवल भगवती के ही पूजन के लिए है, पर ऐसा नहीं है। वास्तव में यह समय आपके लिए ईश्वर आराधन का समय। इस समय आपका जो भी इष्ट है, जिस देवता को भी आप मानते हैं, उस प्रभु का गुणगान गा के आप जो वर्ष में 365 दिन आप लाभ नहीं ले सकते, इन 9 दिनों में वह शक्ति आप अर्जित कर सकते हैं, वह ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसी भगवती के नवरात्रि काल में जो प्रभात काल कहलाता है, जिसे हम सूर्योदय काल या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस समय प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व श्री राम रक्षा स्तोत्र के नित्य प्रति 12 पाठ कर लेवे तो 9 दिनों में 108 पाठ हो जाते हैं। इन 12 पाठों के 9 दिन तक 108 पाठ कर लेने पर साधक को राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, और फिर यह कवच का काम करता है, रक्षा का काम करता है। वह जहाँ तक नित्य प्रति यदि इस राम रक्षा का एक पाठ करके अपने घर से निकल जाए, तो फिर संसार की कोई भी भव बाधा उसका किसी भी प्रकार से अहित नहीं कर सकती। आप यह करके अजमा के देख लें और आपको मालूम पड़ जाएगा कि यह कितना बड़ा सुरक्षा कवच। इसे कहा ही गया है श्री राम रक्षा स्तोत्र, अर्थात ये आपकी रक्षा करने वाला स्तोत्र है। जो साधक इस समय इसको सिद्ध करना चाहता है, उसके लिए इससे ज्यादा उपयुक्त समय कोई दूसरा हो नहीं सकता। अतः साधकों से निवेदन है कि इस समय इस पाठ को इस प्रकार से कर लेने पर उनका राम रक्षा कवच सिद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। अधिक जानकारी इस विषय पर चाहिए तो कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष समाधान।